क्लास 8 हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर और उसमें आपका लेसन नंबर 5 है वर्कर्स ऑफ द नाइट, मतलब कि जो रात में काम करते हैं, जो रात के वर्कर्स होते हैं, है ना। कई लोगों की ड्यूटी होती है ना रात में काम करने की, तो उनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हेन यू आर गेटिंग रेडी टू से गुड नाइट टू एवरीबडी बिफोर गोइंग टू बेड, सम पीपल आर गेटिंग रेडी टू गो आउट टू वर्क। जब आप डेली रात को सोने से पहले क्या बोलते हैं, आप जब आप रात को सोने जाते हैं तो उससे पहले क्या बोलते हैं, गुड नाइट कहने जाते हैं, तब क्या होता है, कुछ लोग तैयार हो रहे होते हैं किस लिए, अपने काम पर जाने के लिए। इन द डार्कनेस ऑफ शेडोज एंड अंडर ब्राइट बल्ब्स दे गो अबाउट देयर जॉब। और कहीं बहुत रात में, रात जब हो जाती है तब, और जो रात में जो बल्ब चलते हैं उनके नीचे, मतलब उस टाइम वो लोग अपनी जॉब पर जाते हैं। दे हेल्प टू मेक अवर लिव्स ईजी कम्फर्टेबल एंड प्लेजेंट, बट देयर वर्क एंड देयर वर्ल्ड इज ओफन अननोन टू अस डे पीपल। तो उनका जो काम होता है जो हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, मतलब जो रात में काम करते हैं और हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए, लेकिन उनके काम को हम अक्सर क्या करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। दिन के जो दिन में वर्क करते हैं हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वही ज़्यादा अच्छा, वही हार्ड वर्किंग है, जबकि रात में काम करने वाले कहीं ज़्यादा मेहनती होते हैं। ठीक है, लेट्स मीट सम ऑफ दोज वर्कर्स ऑफ द नाइट। तो इस चैप्टर में आपको जो वर्कर्स ऑफ द नाइट हैं, जो रात में काम करते हैं पीपल, जो उनका प्रोफेशन, मतलब कैसे कैसे प्रोफेशन होते हैं जहाँ पर नाइट ड्यूटी करनी पड़ती है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। इट्स जस्ट गेटिंग डार्क, बहुत अंधेरा हो रहा है एवरीवेयर बाय दिस टाइम, डे वर्कर्स हैव ईदर रीच। तो जो डे वर्कर्स हैं, मतलब जो दिन में काम करने वाले हैं, वो तो अपने घर पे पहुंच चुके हैं आराम करने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर से निकलने के लिए, काम पर निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं। कौन है वो, नाइट वर्कर्स, जो रात में काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नाइट वर्कर्स। इट्स नाउ 8 o'clock, रात के 8 बज चुके हैं। वर्क फॉर टुमारो मॉर्निंग न्यूज़पेपर। तो रात को क्या काम होता है, न्यूज़पेपर की जो प्रेस होती है, तो जो अखबार होता है आप सुबह सुबह मतलब पढ़ते हैं, तो वो कब छपता है, रात को ही उसका सारा काम होता है, पब्लिशिंग का, है ना, और उसका प्रिंटिंग का। तो सारा काम तैयार है किस टाइम, रात के 8 बजे। देखो ये प्रिंटिंग प्रेस की बात हो रही है कि वहाँ पर काम चल रहा है और जो मशीन ऑपरेटर हैं वो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। By 4 o'clock the next morning the early edition will be ready for dispatch। और सुबह 4 बजे तक जो सबसे पहला एडिशन है, मतलब सबसे पहला जो अखबार, जो मतलब जो सुबह का अखबार प्रिंट होगा वो रेडी हो जाएगा डिस्पैच, मतलब कि जाने के लिए कहाँ से, प्रिंटिंग प्रेस से। तो जिससे कि वो क्यों हो रहा है रात में काम, जिससे कि आप सुबह उठकर आप क्या पढ़ सको, मॉर्निंग न्यूज़पेपर, सुबह का अखबार पढ़ सको। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको बताया गया कि न्यूज़पेपर की जो प्रेस होती है वहाँ पर रातों रात काम होता है, और जहाँ पर जो इतने वर्कर्स लगे होते हैं वो कौन होते हैं, नाइट वर्कर्स होते हैं, रात में जाकर वो सारा काम करते हैं जिससे कि आपको सुबह को न्यूज़पेपर मिल सके। फिर देखिए 10 o'clock हंड्रेड्स ऑफ पीपल, 10 बजे के करीब रात को क्या हो रहा है, विद द मेल सॉर्ट आउट हो रही है, मतलब जो मेल्स भेजने का काम है वो भी कब होता है, रात को होता है, और फ्लाइट्स एंड मेल वैन सो दैट दे कैन रीच देयर डेस्टिनेशन मॉर्निंग इन द टेलीफोन एक्सचेंज। टेलीफोन एक्सचेंज में भी सैकड़ों के करीब पीपल रात में काम कर रहे हैं जिससे कि आपको वो आपके नज़दीक लोगों से कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो टेलीफोन एक्सचेंज में भी रातों रात काम चलता है ना। फिर मिडनाइट में देखिए क्या हो रहा है, एक अचानक से क्या बजता है, सायरन बजता है, साइलेंट स्ट्रीट, मतलब खामोश सड़कों पर एक सायरन की आवाज़ आती है। फायर इंजन है वो जा रहा है कहाँ पर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि वहाँ पर फायर का अलार्म बज चुका है बेसमेंट में, डिपार्टमेंटल स्टोर के बेसमेंट में फायर अलार्म बजा, तो रातों रात कौन भागा, फायर इंजन। तो यानी कि जो फायर इंजन वालों का काम है वो भी किसी भी टाइम उनको ड्यूटी देनी पड़ती है ना, कहीं से भी फायर अलार्म बज जाए आप कॉल करके उसको बुलाएंगे तो उसे तो जाना पड़ेगा ना, वो ये थोड़ी कहेगा रात हो रही है मैं सो रहा हूँ अब नहीं आ सकता। तो इनका भी जो फायर स्टेशन वाले लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उन्हें भी नाइट ड्यूटी देनी पड़ती है। इट इज़ 1 o'clock, 1 बज चुका है, और इस होल सिटी, मतलब पूरा शहर सो रहा है, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं, है ना, फैंस एसी सब चल रहे हैं, रूम्स में रेफ्रिजरेटर्स चल रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी, मतलब मशीन्स भी कुछ ऐसी होती हैं जो रातों रात चलती रहती है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स रात में चलती हैं, फैंस एसी कूलर आपके रेफ्रिजरेटर, ये कभी बंद नहीं होते रातों रात, ये भी काम में लगे रहते हैं जिससे कि आपको खाना सेफ और आपका फ्रेश रहे ना।
सो मच इलेक्ट्रिसिटी इज़ बीइंग कंज्यूम, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगती है. द नाइट शिफ्ट वर्कर्स इन द पावर स्टेशन, तो जो पावर स्टेशन मतलब जो बिजली डिपार्टमेंट में आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में है, उसमें भी जो नाइट शिफ्ट मतलब जिनकी नाइट की ड्यूटी होती है, वो वर्कर्स अपने काम पर लगे रहते हैं. इन ऑल काइंड ऑफ वेदर, किसी भी तरह का मौसम हो, तो एयरपोर्ट का स्टाफ, देखिए एयरपोर्ट में भी रातों रात आप किसी भी टाइम चले जाइए एयरपोर्ट पे, आपको खाली नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई भी स्टाफ नहीं है वहाँ पर. वर्कर्स काम करते रहते हैं क्योंकि रात में भी क्या होता है, फ्लाइट्स आती हैं जाती हैं ना, रातों रात भी किसी भी टाइम सारे 24 आवर्स फ्लाइट्स चलती हैं, इसलिए जो स्टाफ है वो भी सारा टाइम वहाँ पर रहता है, उनकी चेकिंग होती रहती है ना, जो गार्ड है वो ड्यूटी पर रहता है. ठीक है, तो इसमें आपको एयरपोर्ट के बारे में बताया गया है कि एयरपोर्ट पे भी नाइट वर्कर्स काम करते हैं. 3 o'clock में टन्स ऑफ फ्रूट्स, जो आपकी सब्जी और फल हैं वो भी ट्रक्स के द्वारा, ट्रकों से पूछते हैं पहुँचते हैं कहाँ पर, मतलब होलसेलर के पास. और जो सब्जी मंडी है, फ्रॉम वेयर अदर ट्रक्स एंड वेन्स विल टेक दैम, और सब्जी मंडी से जो ये ट्रक वाले हैं ये सब्जियां लेकर जाते हैं और ये सिटी तक पहुंचाते हैं सुबह होने से पहले. इसलिए भी इन्हें क्या करना पड़ता है, रातों रात अपने रातों रात ये ट्रक चलाते हैं ना, सब्जी मंडी से सब्जियां लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, और सुबह जाकर ये होलसेलर्स को बेचते हैं. ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें बताया गया फ़िशरमैन के बारे में, कि फ़िशरमैन भी कहाँ जाता है, अपनी मछलियाँ पकड़ने के लिए रात को जाता है समुद्र में. वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उस टाइम बहुत सारी मछलियाँ वो पकड़ सकता है, रात में कई सारी मछलियाँ जो है वो समुद्र के किनारे पे आ जाती हैं, तो इसलिए वो भी फिशरमैन भी रात को जाता है मछलियाँ पकड़ने. ठीक है, जिससे कि वो सुबह उठकर मछलियों को मच्छी मार्केट में बेच सके. ठीक है, उसके बाद अलार्म देखिए बजता है, 5 बज चुके हैं सुबह के. द सन इज़ नॉट येट फुली अप, सन पूरी तरह से मतलब ऊपर नहीं आया है, और उससे पहले ही मतलब सन के पूरी तरह से, सूरज के पूरी तरह से उगने से पहले कई माएँ है ना, मदर्स आपकी जग जाती हैं, वो भी तो अर्ली मॉर्निंग काम पे लग जाती है ना, तो वो किस लिए जग जाती हैं, क्योंकि उन्हें क्या प्रिपेयर करना होता है, खाना बनाना होता है, ब्रेकफास्ट. अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपका लंच पैक करती है ना, और घर के कोई मेंबर जाते हैं जैसे आपके फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके लिए भी वो क्या बना कर देती हैं, लंच. तो इसके लिए भी उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है. ठीक है, 6 बज चुके हैं, 6 बजे के बाद बता रहे हैं कि अब थोड़ा थोड़ा मतलब ब्राइट आउटसाइड में थोड़ा उजाला होने लगा है. न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय भी सुबह सुबह देखिए पहुँच चुका है, है ना, सुबह सुबह आ जाता है ना आपके न्यूज़पेपर, 6 बजे तक आ जाता है. और वो क्या करता है, कई न्यूज़पेपर बॉय, डिलीवरी बॉय ऐसे होते हैं जो सुबह न्यूज़पेपर बांटते हैं ना, उसके बाद वो किसी और काम पर जाते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर बांटने का तो सुबह सुबह काम होता है, फिर वो फ्री होते हैं, उसके बाद वो कुछ और काम करते हैं, इसलिए जल्दी अर्ली मॉर्निंग वो पहले न्यूज़पेपर डिलीवर करते हैं घरों में. उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि फिर वो कहाँ पर जाएगा, बस स्टॉप पे जहाँ पर वो क्या वर्क करता है, डोरमैन का. ठीक है, ऑफिस पर जाएगा जहाँ पर वो डोरमैन का वर्क करता है. इट इज़ नाउ वेल आफ्टर 7, और अब कितना बज चुका है, 7 के करीब. सन शाइनिंग ब्राइटली, सन तेज़ी से चमक रहा है. टायर्ड आउट आफ्टर देयर वर्क, और जो अब नाइट वर्कर्स हैं मतलब इस टाइम तक 7 बजे तक होते होते जो नाइट वर्कर्स हैं मतलब जिन्होंने रात में काम किया है, वो अब अपने घरों की तरफ चले जाते हैं, किस लिए, सोने के लिए. मीनवाइल द डे वर्कर्स, और अब कौन उठ गए हैं, डे वर्कर्स का काम शुरू हो गया है, मतलब जो दिन में काम करने वाले हैं वो अब फ्रेश और रिलैक्स लग रहे हैं क्योंकि उनका दिन अब शुरू हुआ. ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको बताया था नाइट वर्कर्स के बारे में, जो लोग रात में काम करते हैं कौन होते हैं, कहाँ पर काम चलता है रात में, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस है ना, आपके एयरप्लेन स्टाफ है, आपके हॉस्पिटल्स में भी नाइट स्टाफ होता है, मतलब कई सारी ऐसी जगह हैं. तो ये लोग रात में काम करते हैं और दिन होते होते इनका काम कंप्लीट होता है और ये दिन में रेस्ट करते हैं. ठीक है, और जो डे वर्कर्स होते हैं वो पूरा दिन काम करते हैं और नाइट में रेस्ट करते हैं. ठीक है, ये आपका चैप्टर था. अब आप क्लास, इसकी शॉर्ट थिंग्स, ये टिक द करेक्ट, फिलअप, और ये राइट रॉन्ग, और ये मैजिक, ये 4 शॉर्ट थिंग्स आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे PDF में से देखकर, और इसके वर्डनिंग और इसके क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके क्लास, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट. गुड बाय.